आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में परमवीर सिंह के लटर बम ने ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज तेज होती जा रही है। इसके बाद से सचिन वाजे के वसूली गैंग नेटवर्क के सिग्नल पकड़कर एनआईए की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सचिन वाजे की इन्वेस्टिगेशन में दो महत्वपूर्ण सबूत सामने आए हैं, यानी सचिन वाजे के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खुलता जा रहा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने भले ही अब अपनी जुबान पर ताला लगा लिया है, लेकिन उन्होंने जो चिट्ठी बम फोड़ा था उसने सचिन वाजे के वसूली गैंग की परतें उधेड़ कर रख दी है। एनआईए ने सचिन वाजे की एक सीक्रेट डायरी जब्त की है। एनआईए का दावा है कि वाजे की सीक्रेट डायरी में वसूली रैकेट का पूरा रिकॉर्ड कोड वर्ड्स में दर्ज है। इस डायरी में होटल, पब और कारोबारियों के कोड वर्ड में नाम लिखे गए हैं। कुछ बुकी से भी वसूली का जिक्र इस डायरी में है। कुछ लॉटरी वालों और सट्टे मटका वालों के भी नाम लिखे गए हैं। डायरी में कोड वर्ड में लिखे नामों के आगे रकम का जिक्र भी है। वाजे की सीक्रेट डायरी एनआईए ने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से जब्त की है, जिसमें दर्ज रिकॉर्ड्स परमवीर सिंह के दावों से मैच करते हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने यह वसूली जनवरी महीने में शुरू की थी। परमवीर ने भी अपनी चिट्ठी में वसूली के इसी टाइम का जिक्र किया है। सचिन वाजे की डायरी में हर होटल, हर बार, हर पब, हर कारोबारी का रेट कार्ड मिला है। परमवीर ने भी अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया था। सचिन वाजे को एंटीलिया केस का मास्टरमाइंड साबित करने वाला एक और खुलासा हुआ है, जिसका सबूत है ये फर्जी आधार कार्ड, जिसमें फोटो तो सचिन वाजे की है लेकिन नाम लिखा है सुधाकर सदाशिव खामकर। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इसी फर्जी आधार कार्ड के जरिए वाजे अपनी गिरफ्तारी से पहले मुंबई में एक 5-स्टार ट्राइडेंट होटल में रुका था। पहले एंटीलिया केस और फिर मनसुख हिरेन मामले में भी सचिन वाजे को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिसकी जांच महाराष्ट्र एटीएस के पास है, जिसे वाजे के खिलाफ एक और बड़ा सबूत मिला है। एटीएस ने एक वॉल्वो कार को जब्त किया है। दावा है कि इसका इस्तेमाल वाजे करता था। सदरची कार गुन्हात वापरली अगर कसे या बाबत सदर कारची एफएसएल कलीना मुंबई यांच्याकडून तपासणी करण्याचे काम चालू आहे। सचिन वाजे पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ एनआईए है जो इंटीलिया केस की जांच कर रही है। वाजे 25 मार्च तक उसकी कस्टडी में है, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस भी सचिन वाजे की रिमांड मांग सकती है, जो मनसुख हिरेन केस की जांच कर रही है, जिसमें सचिन वाजे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।